नीमच की बंगला बगीचा समस्या अब हल होती जा रही है। जी हाँ, छोटे भूखंडदारियों को उनका मालिकाना हक मिल रहा है। अब तक करीब 1000 लोगों को अपना मालिकाना हक मिल चुका है और इससे उनकी बहुत बड़ी समस्या हल हो गई है। और इन समस्याओं को हल कराने में अगर किसी की बड़ी भूमिका है तो वह व्यवस्थापन की पीठासीन अधिकारी और नीमच की SDM डॉक्टर ममता खेड़े की। उनकी लगातार सक्रियता से नीमच के बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड ने 1000 से अधिक मामलों का निराकरण कर दिया है। बंगले और बगीचों में निवास कर रहे छोटे भूखंडधारियों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल रहा है। अब तक 1000 से अधिक भूखंडों के मालिकों को अपना हक मिल चुका है। यह संभव हो रहा है व्यवस्थापना बोर्ड के पीठासीन अधिकारी डॉक्टर ममता खेड़े की सक्रियता से। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही नीमच की बंगला बगीचा समस्या अब हल होती जा रही है। खासतौर पर छोटे भूखंडधारियों को उनका मालिकाना हक मिलने लगा है। एक समय था जब छोटे भूखंडधारी अपनी जमीन को अपने नाम नहीं करा पाते थे, न उन्हें बिजली कनेक्शन मिल पाता था, न ही रजिस्ट्री हो पाती थी। लेकिन जब से बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड बना है तब से छोटे भूखंडधारियों की समस्या हल होने लगी है। व्यवस्थापन बोर्ड की पीठासीन अधिकारी डॉक्टर ममता खेड़े ने बंगला बगीचा के प्रकरणों में तेजी लाई और अब तक 1000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराकर मालिकाना हक दिया। डॉक्टर ममता खेड़े प्रतिदिन बंगला बगीचा प्रकरणों की सुनवाई करती हैं, कागजों का मिलान कर रिकॉर्ड चेक करती हैं और उसके बाद सही रिपोर्ट आने पर जमीन का मालिकाना हक देने के आदेश प्रदान करती हैं। बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड अब तक 1050 प्रकरणों का निराकरण करा चुका है। व्यवस्थापन बोर्ड में कुल 2596 एप्लीकेशन आए हुए हैं, उसमें से लगभग 1175 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। इनमें कुछ राशि जमा करने की वजह से पेंडिंग है और कुछ जो अनुमोदन में अभी हालिया भेजे गए हैं तो लगभग इतना काम हम लोग कर चुके हैं। और 1183 आवेदन जो है वो प्रक्रिया में है, किसी किसी विभाग के अनुमोदन में है या डॉक्यूमेंट्स में है, इतना काम लगता हो चुका। जो व्यवस्थापन के लिए एक्ट बना हुआ है, बंगला बगीचा एक्ट बना हुआ है, हम लोग उसी के तहत काम कर चुके हैं और वो शासन से बना हुआ अधिनियम है। और जहाँ भी जो भी लोग हैं जो इसमें पात्रता रखते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग, उनका नियमानुसार त्वरित निराकरण किया जा चुका है ताकि उनकी जो फौरी समस्या है उनका हल किया जाए। फट्टा हो जाता है फिर वो आदमी नगर पालिका से अनुमति लेके जो निर्माण वगैरह कर सकता है वो तो मतलब पूरा रेगुलाइज हो रहा है।